हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। एग्जाम कोई भी हो, किसी भी तरीके का हो, किसी भी पैटर्न का हो, तैयारी ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं जिनको एग्जाम में क्वालिफाई होना है। लेकिन क्या सब लोग एग्जाम में क्वालिफाई हो पाते हैं? एग्जाम में क्वालिफाई होना कई चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे कि विल पावर, पूरा का पूरा डेडिकेशन। इन सब चीजों के साथ में एक दूसरी चीज भी अफेक्ट करती है आपके सिलेक्शन होने या ना होने, या अच्छे मार्क्स लाने या ना लाने, वह है आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आप अपने आंसर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन ना हो करके लिखने वाले ऑप्शन हो गए तो, या फिर जब कभी भी आप बात करते हो अपने आप के अंदर के नॉलेज को बेस्ट एक्सप्लेन करने की, तो फिर उसके लिए चीजों को उस हिसाब से पढ़ना पड़ता है। कई बार आपने पीएससी यूपीएससी के एग्जाम में सुना होगा, अगर आपने पार्टिसिपेट किया हो तो अलग बात है कि वहां पर सब्जेक्टिव भी हुआ करते हैं। अब सब्जेक्टिव में टू द पॉइंट लिखना सबसे बड़ी बात होती है, ना कि लंबी चौड़ी कहानी लिखना। तो आज के इस बुक रिव्यू में मैं एक ऐसे बुक की रिव्यू करने वाला हूं, या कह लीजिए उनके बारे में बेसिक डिटेल आपको दिखाने, समझाने और साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि एमबीबीएस के बच्चों के लिए काफी काम आएगा। ड्यूरिंग एमबीबीएस वो काम आएगा ही आएगा, आगे आने वाले समय में अगर वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी वो काम आएगी। ना केवल एमबीबीएस के बच्चे बल्कि किसी भी ऐसे डिसिप्लिन जिसमें एनाटॉमी उनके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, और उनके क्वालिफाइंग एग्जाम के साथ साथ उनके जो मास्टर्स के एग्जाम है उसमें एनाटॉमी एक हिस्सा है, तो डेफिनेटली आज का बुक रिव्यू उनके काम आने वाला है। आज मैं जिस बुक की रिव्यू करने वाला हूं वह है थीम टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज का एक बुक, जिसमें उसका मेन टारगेट है एनाटॉमी और ये उसका सेकेंड वॉल्यूम है। इसके जो राइटर हैं वह है सुभद्रा देवी वेलिचेट्टी, और सेकेंड वॉल्यूम क्या क्या कंटेंट करता है? सेकेंड वॉल्यूम में आपको मिलेगा हेड एंड नेक, न्यूरो एनाटॉमी एंड जेनेटिक्स का। तो जब ये वॉल्यूम सेकेंड है तो डेफिनेटली इसके पहले का वॉल्यूम वन रहा होगा, तो ये वॉल्यूम वन की बुक रिव्यू मैंने पहले से कर रखी है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि वॉल्यूम वन में क्या क्या खास बात मिलेगी। अब चूंकि ये एक ऐसी किताब है जो टेक्स्ट बुक ना होकर के एक एग्जाम प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, तो इसमें रिव्यू करने लायक कुछ चीज बचता नहीं है। मतलब इसके हर एक पेज अपने आप में बहुत खास हैं, किसी एक पर्टिकुलर पेज को दूसरे पेज से कंपेयर करके दिखाना थोड़ा सा टेक्निकली संभव नहीं होगा। बट चीजों को आपको शॉर्ट में लाने के लिए, चीजों के बेसिक पॉइंट और हाईलाइट करने के लिए मैंने हमेशा एक तरह कुछ बुक मार्क्स लगे हुए हैं, ताकि आप इन बुक मार्क्स को देख करके ये जस्टिफाई कर सको, अपने आप को सेटिस्फाइड कर सको कि अगर इस बुक के कंटेंट ऐसे हैं तो आपके प्रिपरेशन में कैसी होगी। जब हम बात करते हैं एनाटॉमी के, तो टू द पॉइंट उनके नाम याद रखना, उनकी संख्या याद रखना बहुत जरूरी होता है, और ये केवल पॉसिबल हो सकता है जब कोई आप बेसिकली टिप्स एंड ट्रिक्स बनाकर रखेंगे, मेमोरीज बनाकर रखेंगे, तो आपको वो चीजें भी यहां मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिर इस बुक के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। टेबल ऑफ इंडेक्स से लेकर के सैंपल पेपर आप अपने डिस्प्ले पे भी देख सकते हो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इसका साइट है, ऑफिशियल साइट, वहां का लिंक मैं दे दूंगा, उसे आप परचेज करना चाहें तो पटेल 30 का कोड अप्लाई करके आप यूज कर सकते हैं, आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके बेसिक चैप्टर की, कि किस किस चैप्टर को इसमें ध्यान से रखा गया है, कौन से चैप्टर को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो हम सबसे पहले टेबल ऑफ इंडेक्स देख लेते हैं। इसमें हेड एंड नेक के पोर्शन को इंक्लूड किया गया है, साथ में आपका न्यूरो एनाटॉमी होगा जिसके अंतर्गत के और भी बहुत चीजें इंक्लूड की गई है, साथ में फिर आपका लास्ट में जेनेटिक पार्ट होगा। तो ये हो गए बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। अब इसे कुछ हाईलाइट के बारे में बात करते हैं। जब कभी भी हम क्वेश्चन के तैयारी करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केस क्वेश्चन कैसा बनेगा इसका अंदाजा जरूर होता है, लेकिन क्वेश्चन के आंसर को हम किस तरीके से लिखना स्टार्ट करें कि टू द पॉइंट कंसाइज वे में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एक्सट्रैक्ट है उस क्वेश्चन के आंसर का वो सामने वाले के ऊपर रिफ्लेक्ट हो सके, उसकी तैयारी कराती है आपको ये किताब। जैसे आप यहां पे भी देख सकते हो तो आपको टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, डायग्राम फॉर्म में दिया गया है, उनका नॉमेनक्लेचर किया गया है, तो यहां से आप उसके क्वेश्चन के पैटर्न को समझ सकते हैं और उसके आंसर कैसे लिखना है, कितना लिखना है, वो आप देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, ये एक टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज है जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम की तैयारी के हिसाब से इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद जब दूसरे बुक मार्क पे जाएंगे तो यहां पे देखिए अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन है, अलग अलग टाइप का इमेज यहां पे दिया गया है, जो बेसिक हाईलाइट है उनको एक क्वेश्चन के आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट किया गया है, कि मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन आएगा अगर तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, और क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड ये मत सोच करके रहिए कि केवल केवल कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपके जो बेसिक एग्जाम के पैटर्न चलते हैं, सेमेस्टर सिस्टम में चलते हैं या फिर ईयरली सिस्टम में चलते हैं, तो वहां के बेसिक क्वेश्चन का भी आंसर आप इसको पढ़ करके समझ करके दे सकते हो। तो एक तीर से कई निशाने यहां पर हो रहे हैं। अगले बुक मार्क क्यों चलते हैं, ऑल्दो जैसा मैंने कहा कि इसके सारे पेज इतने इंपॉर्टेंट हैं, किसी एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर पॉइंट को हाईलाइट करना सही नहीं होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं तो ऑस्टियोलॉजी ऑफ द क्रैनियल कैविटी, इसके चैप्टर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन के पैटर्न है वो यहां पर आप देख सकते हो, उनका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, उनका एक्सप्रेशन देख सकते हैं, टेबल फॉर्म में देख सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के बेसिक रीजन कौन कौन से हैं उनको हम देख सकते हैं, उसका स्ट्रेस और उसका रिलैक्स होने से कौन से हार्मोन की पल्सेटिव मैनर में रिलीज होती है ये हम समझ सकते हैं। देखिए हर एक पेज में आपको कुछ ना कुछ खास चीजें मिल रही हैं जो अपने आप को दूसरे पॉइंट से अलग कर रही हैं, तो हर एक चीजों को आप यहां पे देख सकते हैं। अगर आप सैंपल चैप्टर देख रहे होंगे तो भी समझ रहे होंगे। उसके बाद है हमारा ऑर्बिट, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, आई बॉल, इनसे संबंधित क्वेश्चन इससे आपको जुड़े हुए मिलेंगे। बुक मार्क की ओर जाएंगे तो आपको हर एक बुक मार्क में कुछ ना कुछ खास बातें मिलती रहेंगी, टेबल मिलेगा, डायग्राम मिलेंगे, एक्सप्रेशन मिलेंगे और साथ में आपको कुछ बेसिक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस मिलेंगे कि अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया अब तो इसका कहां कहां पे आप क्लिनिकली यूज कर सकते हो, उनके यूज को देख सकते हो। ऑल्दो ये किताबें ऐसी हैं जो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट मांगती हैं कि आप अपने जो खर्च है उनमें से निकाल करके थोड़े पैसे इन्वेस्ट करो ताकि आपको ये चीजें आगे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा रिटर्न बैक दे सके। हम आगे बढ़ते हैं अगले बुक मार्क पे, तो चैप्टर वाइज इसके जो क्वेश्चंस हैं वो डिराइव किए गए हैं। यहाँ पे देखिए आपका पैरोटिड ग्लैंड के बेसिक प्रेजेंटिंग एंड पार्ट एंड डिस्क्रिप्शन के बारे में दिया गया है कि कौन से पार्ट है, उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, शेप वाइज कैसा है, रिएक्शन वाइज कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, डायरेक्शन कैसा है, ओवरलैप क्या हो रही है और उसमें कौन कौन से पार्ट उसमें कंटेंट करते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो एंटोमेडिकल सरफेस में अगर बोन, जॉइंट, फेशियल, मैक्सिलरी मसल्स, ये सब चीजें इंक्लूड करती हैं और उनकी संख्या कितनी है वो भी आपको मिल जाएगा। इस बुक के पहले पॉइंट पे जैसे आप बुक को स्टार्ट करेंगे, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था इसी चैप्टर के, तो आपको कुछ नेमोनिक्स की सीरीज मिलेगी जहां पर हम उनके नंबर या उनके नाम के हिसाब से चीजों को क्लासीफाई कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, उनको अपने हिसाब से रैंडम ट्रिक्स बना करके याद कर सकते हैं, उसके सैंपल आपको मिल जाएंगे। अगले बुक मार्क की ओर चलते हैं तो यहां भी आपको मैक्सिमम सारे टेबल, क्लासिफिकेशन पॉइंट, हाइलाइटेड पॉइंट मिलेगी। तो ये रहे आज के इस बुक की खास बात, आपको हर एक बुक मार्क में ऐसी ही चीज देखने को मिलेंगी कि आपका जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को अटेंड करने का जो ऑप्शन का तरीका है वो बहुत ही अलग है दूसरे बुक से और यहां पे आपको शॉर्ट में मिलेंगे टू द पॉइंट। हालांकि मैं इनसे एक और एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर इन्होंने एग्जाम के रेस्पेक्ट में, टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज के रेस्पेक्ट में कुछ बेसिक पॉइंट को आंसर क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर इसमें एटलीस्ट 50 एमसीक्यूज पर टॉपिक पर चैप्टर ऐड कर दें तो एक कंप्लीट बुक हो जाएगी और रियली में जो टेस्ट का प्रिपरेशन है वो भी अच्छा हो जाएगा। ऑल्दो सब्जेक्टिव तो है यहां पे, बट ऑब्जेक्टिव की जरूरत है ताकि किसी भी तरह के एग्जाम के लिए किसी और बुक पे डिपेंड रहने के बजाय द ओनली वन बुक रहे जिसके ऊपर हम डिपेंड हो सकते हैं। तो ये मेरा रिक्वेस्ट कम सजेशन है, अगर वो मेरी बातों को सुन पा रहे होंगे तो ये चीजें जरूर ऐड करिएगा, ये काफी अच्छा होगा स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और एज वेल एज ये आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि इससे इंपैक्ट अच्छा पड़ेगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक है उसमें भी डायग्राम है, उनके नॉमेनक्लेचर है, उनके बेसिक हाईलाइटेड पॉइंट है, स्पाइनल नर्व के बारे में बताया गया अगर टॉपिक उसके बारे में है तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो बनेगा वो भी यहां पे ऐड किया गया है। तो ये दो किताबें अभी तक आई हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। नियर फ्यूचर में इसके और भी वॉल्यूम आने के चांसेस हैं और जैसा ही वॉल्यूम अपग्रेड होता है हम आपको हमेशा की तरह इंफॉर्मेशन इसी वीडियो के थ्रू, इसी तरीके से बुक रिव्यू के थ्रू दे दिया करेंगे। तो आज के बुक रिव्यू के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें के बारे में जानकारी लग रही होगी। हमारे बुक रिव्यू को बनाने के पीछे का मकसद केवल इतना है कि एटलीस्ट आपके हिसाब से जो भी मैक्सिमम ऑप्शन अवेलेबल हैं बुक के रेस्पेक्ट में वो आप जान सकें ताकि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है वो आप देख करके चूज कर सकें। क्योंकि जब तक हम देखेंगे नहीं ऑप्शन को सेलेक्ट कैसे करेंगे, अगर आप किसी दुकान में कुछ कपड़े खरीदने के लिए जाते हो आपको केवल दो ही कपड़े मिलते हैं तो दो में से कोई एक ही चुन पाओगे, अगर आपको 100 कपड़े मिलते हैं तो 100 में से कोई एक बेस्ट चुन पाओगे। सो दैट इज डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, योर टेस्ट। तो वैसा ही अगर हम मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं उन किताबों को एक एक करके आपके लिए लेकर के आए कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए इतने सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं तो आप केवल एक ऑप्शन जो कि आपकी लाइब्रेरी में या फिर जिसको आपने पहले से जान रखा है उस पर क्यों डिपेंड रहे। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसकी जानकारी तो आपको लग जाए तो आप अपने हिसाब से उस जो बेसिक जानकारी है उसको यूज कर सकते हैं, किताबों को देख समझ करके यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।